India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या नीट स्नातक परीक्षा 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर मेडिकल कॉलेज में छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने मई में आयोजित परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं में से एक पर एनटीए को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के सफल अभ्यर्थियों को एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने पेपर लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर नीट यूजी 2024 की परीक्षा फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जवाब मांगा है। अब अन्य याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए से जवाब चाहिए। नीट यूजी 2024 परीक्षा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देखिए, मल्टीपल पिटीशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं। सम ऑफ द पिटीशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस दैट देयर हैज बीन अ लीक ऑफ द पेपर इटसेल्फ। तो उसके बेसिस पे कुछ पिटीशंस लिस्ट हुए थे। जो आज लिस्ट हुए थे उनपे नोटिस इश्यू हो गए हैं। बट आवर पिटीशन इज स्लाइटली डिफरेंट। आई रिप्रेजेंट अलॉन्ग विद मिस्टर रोहित जैन, वी रिप्रेजेंट मिस्टर अलक पांडे एंड हु हैज कलेक्टेड सिग्नेचर्स फ्रॉम अबाउट 20,000 स्टूडेंट्स, विच क्लियरली शोज, मतलब स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, दैट क्लोज टू अबाउट 70-80 मार्क्स हैव बीन अवार्डेड इन ग्रेस मार्क्स रैंडमली टू एटलीस्ट 1500 स्टूडेंट्स। सो आवर पिटीशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पिटीशंस वेयर वी आर चैलेंजिंग द आर्बिट्ररी अवार्ड ऑफ ग्रेस मार्क्स टू पीपल। अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, दे बिकम ऑल इंडिया रैंक नंबर वन, ऐसे भी हो चुका है। सो व्हाट वी हैव टोल्ड द कोर्ट दैट देयर इज अ वेरी क्लियर इशू हियर। द थिंग इज, सिंस द मैटर वाज नॉट लिस्टेड बिफोर द कोर्ट टुडे, द कोर्ट इज ओनली सेड आप रजिस्ट्री में मेंशन करके इसको लिस्ट करा दीजिए। सो आई थिंक बाय टुमारो द मैटर शुड बी लिस्टेड। हमारे मैटर्स के पहले जो मैटर्स लिस्ट हुए थे उसमें ऑलरेडी नोटिस इश्यू हो चुका है। सो द कोर्ट इज इंडिकेटेड that our matter will also be taken up with the other matters and usme bhi notice issue ho jana chahiye, but the court is clear that it will not stay the counseling process at this stage, so that is what the court has said. Let's see what happens. Kal hamara matter list ho jana chahiye. Is mamle ki sunwai justice Vikram Nath aur justice Ehsanuddin Amanullah ki bench ne ki। याचिका में पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है, साथ ही 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द करने की मांग है। याचिका में दोबारा नीट परीक्षा कराने की मांग की गई है। एनटीए के वकील ने कहा कि याचिका को पहले की याचिका के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, जिस पर 17 मई को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया कि वह याचिका 8 जुलाई को सूचीबद्ध है। इसके बाद पीठ ने वर्तमान याचिका को पहले की याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया, जो 8 जुलाई को सूचीबद्ध है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील मैथ्यूज जे नेदुमपरा ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की, हालांकि पीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। न्यायालय इस वर्ष कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को लेकर नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
इस तरह की याचिकाएं दिल्ली और कलकत्ता उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में से एक में विशेष रूप से उन आरोपों का उल्लेख किया गया है कि पटना में पेपर लीक हुआ था और राजस्थान में उम्मीदवारों को गलत प्रश्न पत्र दिए गए थे। 17 मई को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने नीट यूजी 2024 के परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि इसने याचिका पर नोटिस जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई के अपने आदेश के माध्यम से 1981 में अल्पकालिक मौसमी नियुक्ति या AWBN के आधार पर जिला गोरखपुर के लिए चयनित सहायक वसील बाकी नवीस अपीलकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ प्रदान किए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ताओं ने 30 से 40 साल तक कार्य किया, इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों या टर्मिनल बकाया से वंचित करना अनुचित होगा। 14 चयनित सीजनल AWBN में से 9 ने गोरखपुर में अपनी सेवा जारी रखी, जबकि 5 अपीलकर्ता जिला महाराजगंज में बने रहे। अक्टूबर 1992 के आदेश के माध्यम से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। समाप्ति आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किए। इसके आधार पर अपीलकर्ता काम करते रहे। इसके बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अक्टूबर 1992 का आदेश रद्द कर दिया। इसके अलावा इसने यह भी निर्देश दिया कि अपीलकर्ताओं को सभी परिणामी लाभों के साथ 26 जून 1991 से सेवा में नियमित माना जाएगा। हालांकि इस आदेश को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सेवा अवधि को सेवानिवृत्ति और पेंशन संबंधी लाभों के लिए नहीं गिना जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की गई, तो अपीलकर्ताओं की सेवा समाप्ति पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया। इस प्रकार इसने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को बहाल किया और अपीलकर्ताओं को सभी परिणामी लाभ प्रदान किए। इसके आगे न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि ये लाभ, जैसा कि एकल न्यायाधीश पीठ ने भी आदेश दिया, अपीलकर्ताओं को 2 महीने के भीतर दिए जाएं। उधर केरल उच्च न्यायालय ने एक महिला के अपने पसंद की व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि माता पिता का अपने बच्चों के कल्याण के प्रति प्यार और चिंता, बच्चे के वयस्क होने पर जीवन साथी चुनने का उसके अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकती हैं। इसलिए न्यायमूर्ति राजा विजय राघवन भी और न्यायमूर्ति पीएम मनोज की खंडपीठ ने आदेश दिया कि 27 वर्षीय महिला को उसके पिता की हिरासत से मुक्त किया जाए, जिसने उसे याचिकाकर्ता के साथ संबंध बनाने के कारण हिरासत में लिया था, जो दूसरे धर्म का था। न्यायालय ने 3 जून को पारित आदेश में कहा, माता पिता के प्यार या चिंता को किसी वयस्क के उस व्यक्ति को चुनने के अधिकार को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे वह विवाह करना चाहती है। ये आदेश याचिकाकर्ता, जो जर्मनी में मास्टर्स का छात्र है, द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पारित किया गया। उसने प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में काम करने वाली एक महिला के साथ संबंध होने का दावा किया। याचिका के महिला के पिता ने धार्मिक मतभेदों के कारण इस रिश्ते का विरोध किया और बाद में उसे हिरासत में ले लिया। न्यायालय ने तथ्यों का पता लगाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिला, उसके पिता और याचिकाकर्ता से बात की।
बातचीत के दौरान 27 वर्षीय महिला ने कहा कि उसे उसके पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में रखा है और उसने याचिकाकर्ता के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। न्यायालय ने शफीन जहान बनाम अशोकन के एम या हादिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्र पसंद का सम्मान करने और गैर कानूनी प्रतिबंध से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया गया। इसने आगे कहा कि किसी व्यक्ति की पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए और संविधान द्वारा गारंटी के अनुसार संरक्षित किया जाना चाहिए, जब तक कि यह किसी कानूनी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। विवाह ऐसा मामला है जो वकीलों द्वारा निपटाए जाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि उसे अपहरण के उन मामलों को रद्द करने के लिए उच्च स्तर की स्वतंत्रता के साथ विचार करना चाहिए, जिनमें आरोपी और पीड़ित ने एक दूसरे से विवाह किया और खुशी से रह रहे हैं। कोर्ट ने उन एफआईआर को रद्द करने के लिए नियमित रूप से याचिका दायर करने पर भी चिंता जताई, जिनमें भागे हुए जोड़े में से पुरुष पर महिला को उकसाने का आरोप लगाया जाता है, जबकि परिवार विवाह के पक्ष में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि माता पिता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके बच्चे ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो उनके लिए व्यक्तिगत हों। जिस तरह जीवन कल के साथ नहीं रहता, उस तरह जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को उल्टा नहीं जा सकता। जस्टिस सुमित गोयल की पीठ ने नाटक अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में विलियम शेक्सपियर के लेखन पर जोर दिया। प्यार आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से देखता है, इसलिए पंखों वाला कामदेव अंधा है। न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश दिया। जहां आरोपित एफआईआर आईपीसी के तहत अपराधों के आरोप से संबंधित है और यह सामने आता है कि आरोपी और पीड़ित ने एक दूसरे से विवाह कर लिया है और खुशी खुशी रह रहे हैं, हाईकोर्ट को ऐसी एफआईआर रद्द करने के लिए ऐसी याचिका पर बहुत अधिक स्वतंत्रता के साथ विचार करना चाहिए। ऐसी याचिका उस स्थिति में मजबूत होगी जब विवाह से बच्चा पैदा हुआ हो। कथित अपराध के समय पीड़ित के नाबालिग होने का तथ्य इस आधार पर ऐसी याचिका को खारिज करने का आह्वान नहीं करता। ऐसे मामलों में भी हाईकोर्ट को तथ्यों की संपूर्णता का मूल्यांकन करने का पूरा अधिकार है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि पीड़िता और अभी वैवाहिक जीवन में रह रही है, दंपति को संतान की प्राप्ति हो गई है। केरल हाईकोर्ट ने मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और इसके साथ ही डेयरी विभाग द्वारा जारी 12 मार्च 2024 के सर्कुलर को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करते समय हितधारकों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार करे, जिसमें कुत्तों की लगभग 23 नस्लों को मानव जीवन के लिए क्रूर और खतरनाक होने के आधार पर पालने पर प्रतिबंध लगाया गया। रिट याचिका कुछ कुत्ते प्रेमियों द्वारा दायर की गई, जो कुत्तों की ऐसी नस्लों के मालिक भी हैं। न्यायालय ने उल्लेख किया कि कर्नाटक और दिल्ली में इस तरह की रिट याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हितधारकों से परामर्श किए बिना या उनसे आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए बिना सर्कुलर जारी किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्कुलर रद्द कर दिया और कहा कि नया सर्कुलर जारी करने से पहले सभी हितधारकों की आपत्तियों को सुना जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार नियमों के प्रस्तावित या मसौदा अधिसूचना पर लिखित आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय समाचार पत्र के साथ साथ मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे, क्योंकि प्रत्येक कुत्ते के मौलिक को मौखिक सुनवाई देना संभव नहीं होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इस तरह का विचार रखा था। जस्टिस टी आर रवि ने कहा कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में 2 मई 2024 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अगले आदेश तक परिपत्र लागू नहीं होगा।
न्यायालय ने आगे कहा कि सार्वजनिक नोटिस में 1 जून 2024 तक हितधारकों से वैज्ञानिक तर्क के साथ लिखित टिप्पणियां और आपत्तियां आमंत्रित करने के निर्णय के बारे में उल्लेख किया गया। इसने ये भी देखा कि ऐसी आपत्तियों की प्राप्ति के बाद मंत्रालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। मामले में न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 4 जून 2024 को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की, इस पर भी विचार करने का निर्देश दिया। सर्कुलर में कुत्तों की कई नस्लों पर प्रतिबंध लगाया गया। पिटबुल, टेरियर, टोसा, अमेरिकन स्टेफोर्डशायर, इसके साथ ही डोगो, अमेरिकन बुलडॉग, एशियन शेपर्ड डॉग जैसे कुत्तों के नाम है। परिपत्र में उन लोगों को भी कहा गया है जिन्होंने अपने साथ पालतू जानवरों के रूप में कुत्तों की उक्त नस्ल को पाला है और अपने पालतू जानवरों की नसबंदी करवाएं और आगे प्रजनन बंद करें। इससे पहले न्यायालय ने प्रतिबंधित कुत्तों की नस्लों को बेचने और आयात करने पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए सर्कुलर के संचालन पर आंशिक रूप से रोक लगा दी थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मणिपुर हाईकोर्ट ने माना कि क्षेत्राधिकार में स्थानीय लोगों द्वारा मादक पदार्थों का पता लगाना, सुरक्षा के लिए दूसरे क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित करना और बाद में औचित्य की पुलिस द्वारा जब्त किया गया संयोगवश बरामदगी है, जिसके लिए एनडीपीएस की धारा 43 लागू होती है। जस्टिस ए गुणेश्वर शर्मा थोबल के विशेष ट्रायल न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्तों को बरी करने के निर्णय के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने फोडेल में उस समय प्रतिबंधित पदार्थों का पता लगाया जब अभियुक्तों का वाहन खराब हो गया। स्थानीय लोगों ने बाद में इसे सुरक्षा के लिए थोबल में स्थानांतरित कर दिया। जिला पुलिस ने वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थों से भरे वाहन को जब्त कर लिया और स्थानीय लोगों की मदद से अभियुक्त नंबर 1 को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बाकी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विशेष ट्रायल कोर्ट ने 2 आधारों पर अभियुक्तों को बरी कर दिया। पहला, घटनास्थल को फुडेल से थोबल में बदलने में अनियमितताएं हुई। दूसरा, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 41 और 42 और धारा 50 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया। मादक पदार्थों का परिवहन सतत अपराध है जिसके कई स्थान हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 177 और 178 की जांच की जो मुकदमे के स्थान और अपराध के घटित होने के बारे में प्रावधान करती हैं। न्यायालय ने कहा कि ये प्रावधान न्यायालय के मुकदमे के अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करते हैं, न कि पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र को। मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि फुडेल और थोबल दोनों ही विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं, क्योंकि अभियुक्त वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थों को विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में ले जा रहे हैं, इसलिए यह सतत अपराध है। न्यायालय ने पाया कि पुलिस को जब्त वाहन में आरोपी द्वारा प्रतिबंधित सामान ले जाने के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी। प्रतिबंधित सामान का पता पहले स्थानीय लोगों ने लगाया और फिर पुलिस ने। इस प्रकार धारा 41 और 42 लागू नहीं होती क्योंकि कोई पूर्व ज्ञान नहीं था, यह संयोगवश बरामदगी है, इसलिए धारा 43 वर्तमान मामले पर लागू होती है। इसने आगे टिप्पणी की कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अनिवार्य प्रावधानों के गैर अनुपालन की जांच ट्रायल के दौरान की जानी चाहिए, न कि आरोप सुनवाई की कार्यवाही के दौरान। साथ में अभियुक्त व्यक्तियों को आरोप मुक्त करने के विशेष न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम के आयुक्त को निर्देश दिया कि वो मुंबई में अपर्याप्त कब्रिस्तानों के मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से विचार करें और नए कब्रिस्तानों की पहचान करने और उन्हें अधिग्रहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। कोर्ट ने कहा,
हम निर्देश देते हैं कि नगर निगम के आयुक्त के अलावा कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मामले को नहीं देखेगा और निर्देश जारी करेगा। रफीनगर से 3 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली भूमि का एक और भूखंड खोजने की जरूरत है। साथ में ये सुनिश्चित करना है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास मौजूद भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने नगर निगम की कार्रवाई की कमी पर असहमति व्यक्त की और एक सभ्य दफन के अधिकार के महत्व पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा, अधिकारियों की ओर से इस तरह की उदासीनता की सराहना नहीं की जा सकती। मृतक का एक सभ्य और सम्मानजनक अंतिम संस्कार किया जाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जीवित रहते हुए उपलब्ध कोई भी अन्य अधिकार। इसके अलावा मृतकों को दफनाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराना नगर निगम का वैधानिक कर्तव्य और दायित्व है, इसलिए नगर निगम के अधिकारी इस तरह की वैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अदालत शहर में पर्याप्त दफनाने भूमि के लिए जगह की कमी के बारे में एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी। इसने नोट किया कि पहले 3 स्थलों को संभावित दफनाने भूमि के रूप में पहचाना गया था। देवनार कॉलोनी के बगल में एक भूखंड, रफीनगर में दूसरा और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास एक तीसरा भूखंड। अदालत ने बताया कि इन भूखंडों को उपलब्ध कराने के लिए अदालत के लगातार निर्देशों के बावजूद MCGM ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिखाया है। देवनार कॉलोनी स्थल के संबंध में राज्य सरकार ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम 1966 की धारा 37 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कब्रिस्तान के लिए क्षेत्र आरक्षित किया गया। हालांकि इस स्थल पर विवाद के कारण इस वर्ष अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की गई है। अदालत ने संयुक्त सुनवाई के लिए चल रही जनहित याचिका के साथ इस रिट याचिका को जोड़ने का फैसला किया। न्यायालय ने नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आयुक्त को अगली सुनवाई की तारीख तक उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जून 2024 को निर्धारित है। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।